हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़, बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लासिकल थ्योरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाने वाली हूँ। हमने अपने पिछले लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा, उसका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उसके बारे में पढ़ा। अब हम अपने जो ये लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड, जो दोनों ही लेक्चर हैं, उनमें हम इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब शुरुआत जो है उसको करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक बात बताना चाहूंगी कि 1900 ईस्वी जो है, सन 1900 हमारे फिजिक्स के हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों कि उस समय तक जो फिजिक्स हम जानते थे उसको हमने क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसंबद्ध भौतिकी के नाम से जानते थे। जितने भी सिद्धांत थे सभी क्लासिकल थ्योरी के में ही आते हैं, ठीक है। अब 1900 के लगभग जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कर्व इसको स्टडी करने की बात आई, तब इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने में यहां पर जो आपको दो नाम दिख रहे हैं, वेन और रेलिगे जिन्स, इन वैज्ञानिकों ने कोशिश की उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझाने की। लेकिन क्या हुआ कि वो दोनों ही फेल हो गए। फिर उस समय पर प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने एक नया आइडिया दिया, ठीक है, जहां से कि उन्होंने एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, क्वांटा क्वांटम, और उस सिद्धांत को, उस नियम को देने के बाद जितनी जो फिजिक्स हम आगे पढ़ेंगे वो जानी जाती है क्वांटम फिजिक्स के नाम से। यानी कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, इनडायरेक्टली किसकी वजह से है, प्लैंक नाम के वैज्ञानिक, जिनको कि अपने उस नियम के लिए जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है उसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था उस समय पर। तो ये जो पूरा का पूरा जो हम सेशन पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा आता है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसकी जो शुरुआत है वो होती है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। फिर उसके बाद हम आगे हमारे इसी क्वांटम मैकेनिक्स के ही पोर्शन में आगे पढ़ेंगे, प्लैंक्स लॉ, कॉम्पटन्स लॉ। तो ये सभी ऐसे नियम थे जिनको कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाना मुश्किल था। तो इसके लिए क्या किया गया, नई जो प्लैंक ने नया नियम दिया, नया रेडिएशन लॉ जो दिया, उसके अकॉर्डिंग जब इनको समझाया गया तो हम आसानी से समझा पाए। तो वहां से फिर शुरुआत हो जाती है क्वांटम फिजिक्स की, ठीक है। अब हमारा जो ये लेक्चर है वो अभी अभी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर है। तो इस वाले लेक्चर में अभी हम सिर्फ उनका क्लासिकल थ्योरी जो एक्सप्लेनेशन है, यानी क्लासिकल थ्योरी के आधार पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई उसको पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमारे जो कंटेंट है वो यही है कि वीन रेडिएशन लॉ, वीन नाम के वैज्ञानिक ने जो रेडिएशन लॉ दिया, फिर उसके बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे सक्सेस एंड फेलियर, यहाँ पर के सक्सेस एंड फेलियर पढ़ेंगे। फिर रेलिगे जिन्स नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रेडिएशन लॉ दिया और उस रेडिएशन लॉ के आधार पर उनके सक्सेस एंड फेलियर्स, ठीक है। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं इनको हम इस लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेन रेडिएशन लॉ के। जब भी किसी नियम को दिया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कुछ बैकग्राउंड जरूर होता है। तो अब वीन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, वो था एनर्जी डेंसिटी
यू लैम्डा, कि उन्होंने कहा कि भाई इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को हम एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा के फॉर्म में समझाएंगे। अब उसके बाद उन्होंने जिस नियम की हेल्प ली वो थी स्टीफन बोल्ट्समैन्स लॉ, कि स्टीफन बोल्ट्समैन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जो ब्लैक बॉडी को किसी भी टेम्परेचर टी पे मेंटेन करने के बाद जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट समय या सेकंड, वो अब ये जो एनर्जी टोटल एनर्जी रेडिएंट है उसको इस टर्म यानी एनर्जी डेंसिटी के इंटीग्रल के फॉर्म में लिया गया। ठीक है, यानी यहां पर जो ये पूरी की पूरी टर्म है ये किसको बता रही है, एनर्जी रेडिएंट को। ठीक है, तो ये जो टोटल एनर्जी रेडिएंट थी ये किस पे प्रोपोर्शनल होती है, 10 to the power वो T to the power 4 यानी फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर के। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि दोनों ही नियमों को, उन्होंने खुद का जो आइडिया दिया कि अब की बार हम एनर्जी रेडिएंट को सीधे यूज ना करते हुए हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं उसको, एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी डेंसिटी को हमने किस तरीके से डिफाइन किया कि ये जो टोटल एनर्जी जो रेडिएंट होती है वो इस एनर्जी डेंसिटी के इंटीग्रल के फॉर्म में होती है। और यहां पर इन्होंने क्या किया कि यू लैम्डा के लिए जो एक डेंसिटी फंक्शन जो डिफाइन किया वो इक्वेशन नंबर 2 में डिफाइन किया कि इस तरीके से कि यू लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन लैम्डा टी, जहां पर ए स्मॉल एंड कैपिटल दोनों ही कॉन्स्टेंट से, और इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है उसको वेंस रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वेंस लॉ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर जब हमने हमारे रेडिएशन लॉ को समझने की कोशिश की यानी कि हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझने की कोशिश की, तो अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई भाई फॉर्मूला तो ये रहेगा। ठीक है जी, अब इसके आधार पर कि यदि मान लीजिए कि किसी भी समय अगर मान लीजिए कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स है, यानी कि जो एनर्जी डेंसिटी फंक्शन है उसको एक पीक प्राप्त होगा अगर लैम्डा की वैल्यू हम मैक्सिमम कोई एक वैल्यू ले लें। ठीक है, यानी कि लैम्डा मैक्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लैम्डा मैक्स से रिप्लेस करते हैं तो यू लैम्डा भी हमारे पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसके बाद की जो ये लैम्डा मैक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो कि हम पहले वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ चुके हैं जो हमारे खुद उसकी खासियत है। तो अब ये दोनों ही चीजें जो थी वो हमारे रेडिएशन कर्व जो था उससे एग्री करती है। ठीक है, कि हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स पर यू लैम्डा इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगी, साथ में ही अगर हम लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू बी जो वेन्स कॉन्स्टेंट है उसको यूज करते हुए अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो यू लैम्डा जो है वो प्रपोर्शनल आ जाता है T to the power 5 के। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ जो आई है वो एग्री करती है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। ठीक है, यहाँ तक तो ये जो हमारे पास इसमें जो वेन रेडिएशन फॉर्मूले के द्वारा जो ये दो तीन बातें जो देखी गई वो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्री करती है। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर ग्राफ खींचा गया। तो जब वेन्स के लिए ग्राफ खींचा गया, अब आप डायग्राम में देखेंगे तो हमने दो यहाँ पर लास्ट में आकर के हमने दो डायग्राम दिखाए, एक तो हमारे पास ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अब ये जो दोनों है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है और ये हमारा वेन्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे स्मॉल वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो लार्ज होता है। हमारे पास अभी जो हमने पिछला फॉर्मूला देखा है यहाँ पर देखिए कि जो यू लैम्डा है उसके लिए दो फैक्टर्स हो गए, एक तो हो गया लैम्डा और एक एक्सपोनेंशियल वाला। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट है, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू कम है तो एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है ये ज्यादा होगी ये कम होगी, अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी और लैम्डा की पावर 5 वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो अब इसके बाद हम इसी को ही आगे है ना जब पढ़ते हैं कि जब
लैम्डा की वैल्यू कम है, यानी कि छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यूज ऑफ लैम्डा है, तो एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना लार्ज होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यू लैम्डा भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा, जो कि हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये, ठीक है, मैक्सिमम तक पहुंच गया। अब जैसे ही अब इसकी वैल्यू लार्ज वैल्यूज स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो लार्ज वैल्यू होने पर हमने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल जो वैल्यूज थी वो कम होंगी और लैम्डा की पावर 5 वाली जो वैल्यूज है वो बढ़ जाएंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो यू लैम्डा है वो बहुत शार्पली डिक्रीज होने लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, यानी कि जो वीन डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वो वीन रेडिएशन लॉ जो है उसमें देखिए इसमें फास्ट डिक्रीज हो रहा है, बल्कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उनमें वो इतना शार्पली डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब हम कंपैरेटिव कर्व देखते हैं तो इसमें हमें क्या दिखता है कि वीन रेडिएशन लॉ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो सही है। अब आप देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें कि वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो सही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की, यानी के लो फ्रिक्वेंसी की, तो उस समय पर ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, वीन रेडिएशन लॉ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ पर तो एग्री करता है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पर फेल हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेलेगे जींस के रेडिएशन लॉ की। अब रेलेगे ने क्या किया कि वीन के अकॉर्डिंग वो फेल हो गया, तो वो उसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता था, तो रेलेगे और जींस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसके लिए अब की बार लिया एनर्जी डेंसिटी फंक्शन ही नहीं लिया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी फंक्शन लिया लेकिन इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ना कि लैम्डा। वीन ने लिया था लैम्डा की फॉर्म में, इन्होंने लिया फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, और इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा इन्होंने उस फॉर्मूले को डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने यूज किया इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो मैक्सवेल का नियम है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का नियम था उसको इन्होंने यूज किया। किस तरीके से कि इन्होंने, रेलेगे ने माना कि ये जो पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी, उन्होंने जो रेडिएशन है उसके लिए इन्होंने क्यूबिक कैविटी की अज्यूम किया, जिसमें कि टी टेम्परेचर पर उसको गर्म किया गया, और जब वो गर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर उसके अंदर क्या हो रहा है कि एटॉमिक ऑसिलेटर्स इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो अंदर जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनके ओनली स्टैंडिंग वेव मोड ही पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ मोड्स जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा इन्होंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास हर मोड के लिए, अब जैसे इक्विपार्टीशन एनर्जी फॉर्मूला इन्होंने यूज किया, तो अब हर मोड के लिए, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एसोसिएट है वो है KT। तो टोटल एनर्जी हमारे पास हो गई ये, यानी डेंसिटी फंक्शन जो है यू म्यू, म्यू टी इज इक्वल टू एन म्यू KT, और यहाँ इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा इन्होंने रेलेगे जींस रेडिएशन लॉ को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आने के बाद फिर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कर्व खींचा। अब देखिए कि कर्व खींचने पे क्या हुआ कि यहाँ पर जो रेलेगे जींस वाला जो नियम था वो इतना ज्यादा, यानी कि जो लॉन्गर जो वेवलेंथ थी उन पर तो वो एग्री कर रहा है, लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ है उस पर ये सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर वापस से जब कंपैरेटिव कर्व खींचा गया तो देखिए कि रेलेगे जींस लॉ फेल एट द स्मॉलर वेवलेंथ, यानी लार्ज फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, अब यदि दोनों को हम एक साथ ही देखना चाहें तो आपके इस वाले डायग्राम में हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इनको देखना चाहें तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, वीन्स जो नियम है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पर फेल है, वहीं जो रेलेगे है वो लोअर पर तो सही है लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पर वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि पूरे के पूरा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो था उसको क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दो नियम थे
वीन्स और रेलिगेजेंस, उसके आधार पे हमने समझने की कोशिश की। दोनों ही नियम को हमने पढ़ा, दोनों के सक्सेस और फेलियर्स को पढ़ा। वेन जो लॉन्गर वेवलेंथ पर वर्क नहीं किया, रेलेगे शॉर्टर वेवलेंथ पे एग्री नहीं हुए, तो इन कमियों को दूर करने के लिए फिर प्लांक नामक वैज्ञानिक ने एक नया नियम दिया, जिसको कि प्लांक रेडिएशन लॉ के नाम से जानते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आप उसे ध्यान से पढ़ें। थैंक यू सो मच।